हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कनिका की रसोई। तो आज हम कनिका की रसोई में बनाएंगे आलू टिक्की। तो आलू टिक्की बनाने के लिए हम आपको बताएंगे रेसिपी। तो ये देखिए, ये टिक्की कितनी दिखने में अच्छी लग रही है। ये दिखने में जितनी अच्छी है उतनी ही खाने में भी अच्छी बनी है। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखना। तो आइए हम आपको आगे इसकी रेसिपी बताते हैं हमने कैसे बनाई है। तो टिक्की बनाने के लिए हमने 10 से 12 आलू ले लिए हैं। ये हमने इसमें 2 हरी मिर्च डाल दी है और थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी है और ये आधा चम्मच काला नमक। और इसमें हमने ये लिया आधी कटोरी सूजी, जिससे हम इसमें ये हम इसमें एक बड़ा चम्मच सूजी डाल देंगे, 2 चम्मच, और हम इसे आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। सूजी हमने इसलिए डाली है, इसमें सूजी से ये हमारी टिक्की बहुत करारी बनेगी। अगर आप इसमें चावल का आटा भी पीस कर डालें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, उससे भी करारी बनती है। हमने इसमें सूजी डाली है। ये हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ये आधी चम्मच सूजी और डाल देंगे। ये आलू मैश हो चुके हैं, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो चुका है, अब हम ये आलू की टिक्की बनाएंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये टिक्की डाल देंगे। ये हम सारे टिक्की ऐसे बना बना कर इसमें डाल देंगे। ये हम टिक्की में डालने के लिए मसाला बनाएंगे, जिसमें हमने थोड़ा सा काला नमक लिया है, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ी ये हमने चिली फ्लेक्स ली है। और टिक्की पर डालने के लिए मसाला तैयार है, आप भी ऐसा मसाला ज़रूर बनाना। तो ये हमारी टिक्की बनकर तैयार है। हम ये बाकी टिक्की भी अब इसमें ऐसे ही डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्की कितनी करारी बनी है। तो आप भी ऐसे टिक्की ज़रूर बनाना। ये देखिए टिक्की कितनी अच्छी बनी है, आप भी टिक्की ऐसे बनाकर देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसी बनी है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ज़रूर।